जिले के सिंदरी उपखंड मुख्यालय पर रविवार रात्रि को मैन बाजार में अनियंत्रित पिकअप ट्रोले ने 7 व्यक्तियों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक पुरुष ने बालोतरा अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया और ग्रामीणों ने चिकित्सालय स्थित मोर्चरी के आगे धरना देकर विरोध जाहिर किया। धरने की सूचना के बाद उपखंड अधिकारी वीरमाराम मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता की। आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। सिंदरी से कैलाशपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। जिले के सिंदरी उपखंड मुख्यालय पर रविवार रात्रि को मैन बाजार के अंदर जीटी टावर के आगे एक अनियंत्रित पिकअप ट्रॉले ने 7 व्यक्तियों को कुचल दिया। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक पुरुष ने बालोतरा अस्पताल ले जाते समय बीच रास्ते में दम तोड़ दिया। वहीं सिंदरी ग्राम पंचायत में कार्यरत LDC सहित 2 अन्य घायल उपचाराधीन है, जिसका जोधपुर में इलाज चल रहा है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों में गुस्सा नजर आया और ग्रामीणों ने चिकित्सालय स्थित मोर्चरी के आगे धरना देकर अपना विरोध जाहिर किया। धरने की सूचना के बाद उपखंड अधिकारी वीरमाराव मौके पर पहुंचे और धरनार्थियों से वार्ता की। उपखंड अधिकारी द्वारा काफी देर समझाइश एवं आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना समाप्त किया। उपखंड अधिकारी ने बताया कि इस परिवार का हर संभव सहयोग किया जाएगा और सरकारी सहायता जितनी भी मिलती है वह उनके पूरे परिवार को दिलवाई जाएगी, साथ ही सरकार की तरफ से अन्य सहयोग भी दिलवाया जाएगा। हाईवे पर सिंदरी कस्बे के मुख्य बाजार में एक बोलेरो चालक लापरवाहीपूर्ण तरीके से गाड़ी चलाता हुआ आया और अपेक्ष हॉस्पिटल के आसपास असंतुलित होकर डिवाइडर पे टायर चढ़ा, उसके बाद में असंतुलित अवस्था में चलाता हुआ गया, जिससे एक गाय के बछड़े को टक्कर मारी और उसके बाद में राहगीरों को कुचलता हुआ एक खड़ी कैंपर के अंदर जाके रुक गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर मृत्यु हो गई और 3 पुरुषों के गंभीर चोटें आई है, जिनको गंभीर अवस्था में रेफर किया है और एक 4 साल का बालक उसके भी चोटें आई और उसको भी रेफर किया है। हमारा धरना ये था कि कल रात्रि को एक वाहन की टक्कर से भील समाज के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। एक बॉडी बालोतरा है और 2 बॉडी सिंदरी अस्पताल में, और प्रशासन से और हमारी बात हुई और धरने में बैठे परिवार के लोगों से बात हुई और परिवार प्रशासन ने पूरा भरोसा दिया कि हम आपकी पूरी पूरी मदद करेंगे। इसके आधार पर हम लोगों ने धरना समाप्त किया। धरने पर ग्रामीणों ने मांग रखी थी कि प्रशासन मैन बाजार से चौराहे तक व्यापारियों के द्वारा फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमण को हटाए एवं पुलिस तेज रफ्तार से चल रहे वाहनों पर कार्रवाई करे। इसके साथ मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा भी दिया जाए। ज्ञापन देने के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किए गए। धरने के दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष डिंबाराम प्रजापत, मितेश रति, समाजसेवी तोलाराम, भीम आर्मी अध्यक्ष दीपक मसानिया, मंगलाराम मकवाणा, मंगलाराम वाघेला, अजय मेना, सामाराम सहित बड़ी संख्या में भील समाज के लोग एवं ग्रामीण मौजूद रहे।